नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। जो भी महादेव को सच्चे मन से याद करता है, भगवान उसकी सदा ही सहायता करते हैं। ऐसे में दोस्तों, महादेव के चमत्कार की एक घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और महादेव के चमत्कार के आगे सर झुका ही देंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये बात हम कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां अचानक से 20 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है। कहते हैं कि यदि एक बार महादेव की कृपा किसी पर भी हो जाए तो वो भवसागर को पार कर लेता है। ऐसा ही महादेव के परम भक्त के साथ हुआ। तो आइए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक साधु की कुटिया थी। वो साधु महादेव भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय रहते थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते। दोस्तों, हरिद्वार से दूसरे गांव से एक काजल नाम की लड़की रोज साधु के लिए खाना लेकर आती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को काजल खाना खिलाती थी। एक दिन काजल साधु के लिए देर से खाना लेकर आई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। काजल बोली, बाबा आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए मुझे देर हो गई। इस पर नागा साधु बोले, बेटी लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार न कर सकती। तो दोस्तों, काजल पर बाबा की इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, काजल आज तुम बड़ी जल्दी आ गई, ये कैसे हुआ। काजल बोली, बाबा आपने ही तो भगवत नाम का सहारा सुझाया था, उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, साधु ने भगवत नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि काजल उनसे हास्य में ये बात कह रही है। लेकिन जब बाबा ने प्रमाण मांगा और काजल को लेकर नदी किनारे पहुंचे, तो ये चमत्कार देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। काजल भगवान का नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी थी। बाबा ने काजल को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।